इस हांसदा का परिवार सीएम हेमंत सोरेन के नहीं पहुंचने पर नाराज है। आज सीएम को गणेश हांसदा की प्रतिमा और पार्क का उद्घाटन करना था। परिवार का कहना है कि जब तक हमें सभी ना पेट्रोल पंप देने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वो कार्यक्रम में शामिल होने नहीं देंगे। मंत्री चंपाई सोरेन समेत तमाम विधायक मौके पर मौजूद हैं और परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। जमीन और पेट्रोल पंप देने का लिखित आश्वासन चाहिए शहीद के आश्रितों को और अपनी मांगों पर अड़े हैं परिवार के लोग। मंत्री चंपाई सोरेन समेत कई विधायक पहुंचे हैं वहां पर। और सभी इंतजार कर रहे हैं शहीद के परिजनों का, लेकिन लिखित आश्वासन के बगैर परिजनों ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। गणेश हांसदा की प्रतिमा और पार्क का उद्घाटन करना था आज सीएम को, लेकिन सीएम आज नहीं जा रहे। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रभात, देखिए आज सीएम का कार्यक्रम था वहां पर, शहीद गणेश की प्रतिमा का अनावरण होना था, पार्क का उद्घाटन होना था, लेकिन किन्हीं वजहों से सीएम का कार्यक्रम टल गया, लेकिन मंत्री तो वहां पहुंचे हैं, फिर परिजनों में नाराजगी किस बात की? कार्यक्रम था काफी, दो सालों से परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दो साल पहले गलवान में उनकी शहीद हुए थे। उसके बाद यहाँ पिछले दो साल से कोरोना काल चल रहा था, उस बीच में जो सामाजिक संगठन मानव कल्याण समिति है उनके द्वारा वहाँ पे मूर्ति का बनाया था, साथ ही साथ एक टेम्पर पार्क बनाया गया था जिसका आज मूर्ति का अनावरण और पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को करना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनके जो मंत्री है चंपाई सोरेन पहुंचे, तमाम विधायक पहुंचे थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए, लेकिन परिवार के लोग कहीं ना कहीं नाराज हो गए इस बात को लेकर कि अगर सीएम साहब को नहीं आना था तो हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गया और हम लोग को क्यों नहीं बताया गया, और उसको लेकर नाराजगी। और उस परिवार के लोग साफ इनकार कर गए, ना अनावरण स्थल पर पहुंचे ना ही पार्क का उद्घाटन, परिवार घर में ना क्लियर बात करना चाहते, उनका कहना है परिवार का अपमान हुआ है। और हम लोगों को परिवार लोग ये बता रहे हैं कि जब तक जो पिछले दो साल पहले जो राज्य के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक नौकरी और एक पेट्रोल पंप और एक जमीन की पट्टा दिया जाएगा, वो अब तक नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं परिवार जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उनका साफ कहना है कि जब तक लिखित नहीं दिया जाता है सरकार तरफ से, प्रशासन के तरफ से, तब तक हम लोग किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सारा परिवार घर में शहीद जो गणेश हांसदा की प्रतिमा के सामने बैठे और किसी से बात करने को तैयार नहीं है। साफ उनका कहना है कि शहीद परिवार का अपमान हुआ है, जिस तरीके से कार्यक्रम तय था पहले तक नहीं आना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो इसकी सूचना पहले परिवार के लोगों को देना था, वो नहीं दे पाए और उसी को लेकर ये कार्यक्रम एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से कैंसिल किया। और जो मंत्री थे वो मंत्री विधायक सारे यहाँ से निकल चुके हैं, परिवार के लोग घर में। शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।